2017, BJP swept all four seats. But this time, Congress candidate Indranil Rajaguru has cleared the pitch over one seat. Sir, campaign kaisa chal raha hai? Bahut badhiya. Logon ka response 2012 mein main jeeta tha usse kahi zyada hai. Is baar? Bilkul. But Rajaguru has had an eventful election season, switching from Congress to AAP to return to the Congress. कहीं मेरे से गलती हो गई समझने में. वो बोलते थे कट्टर ईमानदार, कट्टर राष्ट्रवाद. न तो वहां मैंने राष्ट्रवाद देखा, ना तो ईमानदारी देखी. पैसे भी उड़ते हुए भी आते थे और जमीन से भी उड़ते थे कि आंगड़िया से आते थे. अगर दो नंबर के पैसे आपके पास नहीं है तो ऐसा क्यों करते हो? चेक से ट्रांसफर कर लेते. ईमानदारी वहां नहीं. इतने सारा पैसा कहां से आता है? और वो कहीं ना कहीं भाजपा की मदद करने को आए हों, उस तरह से टिकटें बांटी. तो वहीं से मुझे इशू हो गया कि मैं एक झूठे आदमी को निकालने के लिए मैं दूसरे झूठे आदमी में फंस गया था. उसलिए वहां छोड़ छाड़ के भाग के मेरे घर पे आ गया. और कहा ये भी जाता है इंद्रनील जी के आपको सीएम फेस नहीं बनाया गया, इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी. मैं चार सभाओं में नहीं गया था फेस डिक्लेयर होने के पहले. कोइंसिडेंस था कि वही दिन मैं दिल्ली कांग्रेस में ज्वाइन होने तय हुआ. और वो बात बोल रहे. और वो भी कहा उसका सीएम बनने की इच्छा भी क्यों रखूं? क्योंकि उनको खुद को सरकार नहीं बनानी है. ये भी सुनने में आ रहा है तगड़ी फाइट है यहाँ पर, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पाटीदार हैं, काफी ज्यादा बहुल पाटीदार है यहाँ पर. तो गुजरात का हर एक नागरिक नाखुश है, भाजपा से नाराज है और वो विकल्प चाहता है. आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए आई थी, लेकिन भाजपा की चिंताएं बढ़ गई क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर्स है, जो 27 साल से नहीं थके और हमारे साथ रहे हैं, वो नहीं टूटेंगे और वो ना टूटेंगे. टूट रहे हैं तो भाजपा की ये महंगाई के, ये पुल टूटने का, रोड में खड्डे होना, ये भ्रष्टाचार की, उनकी दबाव की राजनीति, उनसे लोग उबल चुके हैं और वो अभी भाजपा को नहीं चाहते और सिर्फ कांग्रेस में विकल्प देखते हैं. अभी आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं. उन्होंने उम्मीदवार ही ऐसे नहीं रखे कि दिखे भी. पर जो उम्मीदवार हैं कहते हैं कि सौराष्ट्र में, और देखा भी आया है कि कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा है क्योंकि पाटीदार हैं, कम से कम 90,000 यहाँ पर पाटीदार वोट हैं. तो कहते हैं पटेल तो पटेल को ही वोट देगा, आप तो रहे ब्राह्मण. मैं वो भाजपा के साथ थे. अभी तब हमारा हिस्सा उन लोगों में 10% ही था. अभी वो हिस्सा बढ़ के मेरा 40% हो गया. राहुल को मिलेगा, लेकिन वो सब भाजपा का टूट रहा है. मेरा 10 से लेके मेरा बढ़ के 40% और मेरी ओरिजिनल जो वोट बैंक है वो भी साथ में है. आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कोई फाइट नहीं है, आप कह रहे हैं उनके साथ? यार उसकी चर्चा का भी कोई अर्थ नहीं है. कांग्रेस का होल्ड सौराष्ट्र पे कायम रहेगा आपको लगता है इस बार? बिल्कुल रहेगा. बिल्कुल नाराज है भाजपा से. लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, बिना पैसे का एक काम नहीं होता.